एंकर भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आज से शुरू हो गई है और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी व सांसद हरीश द्विवेदी के नेतृत्व में ये जन आशीर्वाद यात्रा बस्ती की सीमा में प्रवेश कर चुकी है। वहीं बस्ती गोंडा सीमा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा के केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। पूरे प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अब भाजपा के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में ये यात्रा शुरू की गई है। मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आशीर्वाद यात्रा प्रधानमंत्री की सोच है, जिससे आज हम जनता के बीच जाकर सरकार के कामों को बताएंगे और हम काम करने के लिए आए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हम केवल वित्त मंत्री ही नहीं, महाराजगंज के सांसद ही नहीं, बल्कि पूरे देश के मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि माननीय मोदी जी ने सुझाव दिया कि मंत्री लोग अपने क्षेत्र में जाने से कम 4 से 5 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ की जनता और वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिले, उनका आशीर्वाद ले और जो भारत सरकार की योजना है, जो प्रदेश सरकार की योजना है, उसको अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, उसको पहुंचाने का काम करे। साथ ही उसको सुनकर कि जो कमी हो सकते हो उसको निर्णय ले। उन्होंने जब आप देख रहे हैं बीएसटी न्यूज 24, खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़े होंगे कि मुर्दा सिद्धू आज फिर से 10% घट करके नीचे आए। पेट्रोल डीजल देखो अंतर्राष्ट्रीय मामला है और पेट्रोल डीजल पे आप लोग के दिमाग में रहता है कि केवल भारत सरकार ही टैक्स लगाती है, उसमें कहीं ना कहीं उससे ज्यादा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट भी लगाते हैं। रात हो रहा जिससे जो निकल कहाँ कहाँ लोग प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 99 रुपए है। आप पेट्रोल डीजल की महंगाई को अगर देखते हो क्यों नहीं आती, फिर मैं कहा काउंसिल इसका निर्णय लेगी, इसका निर्णय भारत सरकार नहीं लेती है। क्या माना जाए कि विधानसभा चुनाव के 1 महीने पहले जो है तेल का दाम कम हो जाएगा। अभी तो जीएसटी काउंसिल तय करेगी, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करेगा कि दाम कम होगा। बस्ती वासियों को क्या दे रहे हैं आप? आए हैं बस्ती वासियों को हम क्या दे रहे हैं आप? यहाँ के क्या दे रहे हैं सांसद भी हमारे हैं, विधायक भी है, उसकी तौर से कल प्रस्ताव उन्होंने कुछ रखा है, विचार करके जो भी विषय होगा हम देंगे। हर हिंदुस्तानी अब देखिए समाप्त हो रहा, हर हिंदुस्तानी को गर्व करने वाला एक विषय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सूचना एक न्यूज आई है कि अफगानिस्तान में जब पूरे दुनिया के लोग भाग रहे हैं, वहां पर एक भारतीय उसने कहा मैं अपना मंदिर छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं रहूं ना रहूं मैं भगवान की पूजा अंतिम समय तक करता रहूंगा। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हम लोग एक भारतीय जो है वहाँ इस प्रकार का साहस दिखा करके अपने भारत के लिए दूसरा उसी में मैं जोड़ रहा हूँ, सुनो भैया, हमारे पूरी दुनिया की एक चिंता विषय है। दूसरा भी एक गर्व की विषय है कि जब जब विदेशों में कहीं भी संकट आया, जब से मोदी सरकार आई है, भारत के नागरिकों की पूर्ण चिंता की जा, चाहे यमन में युद्ध किया, हमारे विदेश मंत्री वीके सिंह जा करके वहाँ कैंप करके अपने 400 भारतीयों को देश पहुँचाने का काम किया, बल्कि 200 विदेशियों को भी भारत पहुँचाकर उनके देश पहुँचाने का काम किया। अभी जब कोविड का महामारी आया, 61 लाख लोगों को विदेश से भारत लाने का काम हमारी भारत सरकार की। आज अभी हमारे 100-150 लोग अफगानिस्तान में भी फंसे हुए हैं, हमारी सरकार उस प्रयास में लगी है, उनको भी जल्द से जल्द छुड़ाकर हम भारत से आवे। ये होता है साधारण है निकालने का कि जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसका परिचय पार्लियामेंट के भीतर होता था, प्रधानमंत्री दोनों सदनों में अपने नए मंत्रियों का परिचय सदन को कराते थे, लेकिन विपक्ष के बवाला के नाते वो परिचय नहीं हो पाया, जिससे प्रधानमंत्री जी ने कटाक्ष भी किया था विपक्ष से कि कोई नई परंपरा पड़ रही है। अभी तक के भारतीय इतिहास भारतीय लोकसभा के इतिहास में, संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो उससे भी प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमारे मंत्री स्वयं जनता के बीच में जाकर अपना परिचय भी देंगे और अपना बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे और भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको जमीन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अखिलेश सरकार ने कहा कि मुझे राम भगवान को पकड़ने की जरूरत है, मुझे विकास पकड़ने की जरूरत है, इस पर आप क्या कहेंगे? केवल ट्विटर पे अखबारों में आज कोविड काल से लेकर अब तक हमारी सरकार दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन एक मिनट भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे विधायक, चाहे एमएलए, एमपी, कोई बैठा नहीं है।
आप लोग के ही माध्यम से सबको पता चलता होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। कोविड काल में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जान से हथेली में रख करके और जनता की सेवा करने का काम किया, और आज हमारे जिला अध्यक्ष एक दिन भी चैन से सो नहीं पाते हैं, जनता की सेवा में ही लगे हैं। तो केवल ट्विटर पर कह देने से कुछ नहीं होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। अंत्योदय जो हमारा मकसद है, अंत तक हम विकास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, यही हमारे काम। अभी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाएगी, लगातार सोशल मीडिया टीचर का अगर अपना उनका अपना संस्था है तो किस पे लगा रहे, किस पे नहीं लगा रहे, हर चीज को सरकार को नहीं जोड़ रहे। आपकी जन आशीर्वाद यात्रा सपा ने भी अपनी एक नई यात्रा शुरू की है, जन क्रांति बनी यात्रा, तो करना तो भैया हम अपना कर रहे हैं, उनको अपना करना है, भाजपा को हराओ और हमारा नारा है कि 350 लाओ। महंगाई को लेकर के फिर क्या कर रहे हैं, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है।